रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिफा फ्री स्टडी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मेरे देखने और सुनने वाले सब लोग बफजले खुदा खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकारी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के हवाले से कि फेडरल गवर्नमेंट के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी अपग्रेडेशन खैबर पख्तूनख्वा के तर्ज पर किस तरह से होने जा रही है। तमाम क्लैरिकल स्टाफ जो ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक हैं उनकी अपग्रेडेशन की मंजूरी जो है वो वफाकी कबीना से ली जाएगी। इससे पहले मुकम्मल जो तैयारी है वो होने जा रही है, कुछ हो चुकी है, कुछ अभी होने जा रही है। चंद एक दिनों तक तमाम जो इसकी मंजूरी है वो वफाकी कबीना से ले ली जाएगी। मुकम्मल जो तफसील है इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं और मेरे इस चैनल में पहली दफ़ा आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की जो तफसीली वीडियो है उसकी जानब के इस्लामाबाद से ये खबर है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वफाकी वजारतों में ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की असामियों को अपग्रेड करने के लिए नई पॉलिसी की तैयारी शुरू कर दी है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ग्रेड 1 तक ग्रेड 16 तक के वफाकी क्लैरिकल असामियों की के लिए नई अपग्रेडेशन पॉलिसी की मंजूरी जो है वो वफाकी कबीना से ली जाएगी। वजारत खजाना ने 2001 की अपग्रेडेशन पॉलिसी में तरमीम करके नई पॉलिसी बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को दरख्वास्त दी थी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की नई और तरमीम शुदा अपग्रेडेशन पॉलिसी में ग्रेड 9 का जो क्लर्क है वो ग्रेड 11 में चला जाएगा। इसके बाद जो ग्रेड 11 का जो अपर डिवीजन क्लर्क है जिसको हम UDC भी कहते हैं उसको ग्रेड 14 दे दिया जाएगा और ग्रेड 14 वाले को ग्रेड 15 दे दिया जाएगा और ग्रेड 15 में जो क्लैरिकल स्टाफ बैठा हुआ है उसको ग्रेड 16 दे दिया जाएगा और ग्रेड 16 के जो असिस्टेंट हैं उनको ग्रेड 17 दे दिया जाएगा और ऑलरेडी जो ग्रेड 17 के सुपरिटेंडेंट बैठे हुए हैं वो सेम अपनी पोस्ट पे ग्रेड 17 ही लेंगे, उनकी पोस्ट को अपग्रेड नहीं किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की मुकम्मल तफसील है कि किस तरह से क्लैरिकल स्टाफ के अपग्रेडेशन वफाकी जो क्लैरिकल स्टाफ है उसमें होने जा रही है। मैंने आपको तमाम तर इसकी जो तफसील है वो बता दी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।